नमस्कार, केकेआर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती गहलोत। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। सुल्तानपुर नगर में झील एक माहौल संगीत की पाठशाला में बच्चों का कार्यक्रम आयोजित किया गया। आपको बता दें कि झील एक माहौल संगीत की पाठशाला बच्चों को मोटिवेशन और डांस सिखाने के लिए एक उभरती हुई संस्था है, जिसको स्थानीय निवासी नितिन देवनानी द्वारा शुरुआत की गई थी। वही इस कार्यक्रम में सुप्रसिद्ध गायिका आहना कृष्णा, सुदीक्षा और श्लोका पाठ के साथ जिल के बच्चों ने संगीत का अभ्यास किया और साथ ही कई प्रसिद्ध गानों को गुनगुनाया। इस मौके पर गोपाल कृष्ण पाठक ने बच्चों को संगीत और जीवन से संबंधित मोटिवेशन दिया। सुल्तानपुर से केकेआर न्यूज के लिए सुनील चौधरी की रिपोर्ट। एक अद्भुत माहौल वाला इंस्टीट्यूट है। जिल की जो पहचान है वो सुल्तानपुर ही नहीं, सुल्तानपुर के बाहर भी जा रही है। इनके कॉन्सेप्ट को, इनको आइडियाज को लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं और बड़ी प्रसन्नता का विषय हमारे लिए है कि आज झील और नितिन देवनानी जी ने हमें संगीत की पाठशाला और संस्कारों की पाठशाला में जो हमारा कार्यक्रम है उसके साथ यहाँ इनवाइट किया। वास्तव में यह जो एज ग्रुप है बच्चों का, सीखने का एज ग्रुप है, समझने का एज ग्रुप है, इनमें भगवान ने कुछ ना कुछ गुण दिए हैं, सभी बच्चों में दिए हैं। कोई अच्छा गायक बन सकता है, कोई अच्छा चित्रकार बन सकता है, कवि बन सकता है, लेखक बन सकता है, प्लेयर बन सकता है। सिर्फ हम लोगों को उनके गुणों को समझने की, उस समझ के उसको आगे बढ़ाने की, तराशने की आवश्यकता है। उस जीव वो माहौल दे रहा है इन बच्चों की प्रतिभा को, जो इनमें छिपी हुई है, वो खो ना जाए, उसको निखारने का काम कर रहा है। इसलिए मैं झील को साधुवाद देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और मेरी बिटिया अभी 14 वर्ष की है, आहना कृष्ण पाठक, उसने इनके सामने बहुत सुंदर सुंदर गीत भी रखे, संगीत के विषय में जो टिप्स होते हैं वो भी दिए। मेरी छोटी बिटिया सुदीक्षा पाठक मात्र 8 वर्ष की है, श्लोका पाठक 7 वर्ष की है, लेकिन इन्होंने भी एकल गीत भी सभी बच्चों को सुनाए। और इसलिए सुनाए कि इनकी एज अगर 7 साल और 8 साल और 14 साल है तो इस हॉल में बैठे हुए बच्चों की भी यही एज है। अगर ये गा सकते हैं तो ये भी गा सकते हैं, अगर ये गा सकते हैं तो ये गा नहीं सकते तो बजा सकते हैं, अच्छे इंस्ट्रूमेंट हैं, उनको बजाना सीख सकते हैं। तो मेरा ये मानना है ये जो बच्चों की उम्र है, ये इनको तराशने की है, इनको समझने की है, इनके गुण को पहचानने की है। वो झील उस दिशा में काम कर रहा है, इसलिए मैं झील को बधाई देता हूँ। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारे आज जो दिन है, आज हमारी माओं का दिन है, मदर्स डे है आज। मदर्स डे के दिन हम झील एक माहौल में बच्चों को कुछ अच्छा नया देना चाह रहे थे और हमारे पाठक जी और उनकी बेटियों से अच्छा मुझे ऐसा लगा कि कोई हम लोगों को वैसा प्रेजेंटेशन और वो मार्गदर्शन नहीं दे पाएगा। तो कहीं ना कहीं हमने इनको इनवाइट किया और इन्होंने हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट किया और हमारे बच्चों को बहुत सारी अच्छी नई नई चीज़ें सिखाई भी। और कहीं ना कहीं हम जो माहौल बनाने की कोशिश करते हैं वो माहौल बिल्कुल बनाने की पूरी कोशिश की और बहुत ही अच्छा लगा इस मदर्स डे पर। बहुत अच्छे अच्छे सॉन्ग हमारे आहना ने और दोनों बेटियों ने बहुत अच्छे अच्छे सॉन्ग्स प्रस्तुत किए, तो वो सारी चीज़ें देखा जाए तो बहुत अच्छा रहा। इसका मकसद यही था कि ये है संगीत की पाठशाला, कई बच्चे जो हैं वो इंटरेस्टेड रहते हैं संगीत में, तो उनको कुछ सिखाना भी था और एक अच्छा माहौल भी बनाना था, बस यही हमारा मेन मकसद था। फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहें केकेआर न्यूज़ के साथ। नमस्कार।